नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम आर पार में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में, यानी पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कुछ सिंबल्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं अपने सिंबल्स की ओर। चलिए पहले बात करते हैं दोस्तों आपके कैपेसिटर की। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, कंडेंसर ही बोल देते हैं। क्या बोलते हैं कुछ लोग इसको, कंडेंसर। तो वो क्या होता है हमारा, जो आपका फैन में लगा होता है भाई, कंडेंसर मोटर्स वगैरह में ये होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो इसका सिंबल किस प्रकार से आता है, देखिए ये सिंबल किसका होता है हमारा, कैपेसिटर का होता है। ठीक है, कैपेसिटर करता क्या है भाई, क्या करता है कैपेसिटर, चार्ज स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में। ठीक है ना, एक कैपेसिटर का सिंबल ये हो जाएगा दोस्तों हमारा। ठीक है, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। ये देखिए, ये जो कैपेसिटर जो होता है भाई, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड कैपेसिटर होता है। इसी प्रकार से इसका एक और सिंबल बनता है दोस्तों, आपने कहीं भी ये देखा हो, ये इस प्रकार से। तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, यानी इसके मान को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका माइक्रोफेरड, पिकोफेरड, नैनोफेरड, फेरड में क्या होता है, अवेलेबल होता है। नैनोफेरड बात करें, माइक्रोफेरड या पिकोफेरड, ठीक है, इसमें क्या होता है, अवेलेबल्स होता है। 1 माइक्रोफेरड कितना होता है दोस्तों, 10^-6 फेरड के होता है। नैनो, नैनो का 9 10^-9 फेरड है ना। फेरड होती है, फेरड जो दोस्तों क्या होती है हमारी, ये बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, जनरली आपने जो कैपेसिटर देखे होंगे वो किस में आते हैं हमारे, माइक्रोफेरड में। किस में आते हैं, माइक्रोफेरड। जैसे फैन के लिए आप कौन सा, कितने माइक्रोफेरड का यूज़ करते हैं, तो फैन के लिए करते हैं 2.5 माइक्रोफेरड। ठीक है, अब ये ऑयल में भी आ सकता है, सिरेमिक ऑयल में, जो उसमें ऑयल भरा होता है, कुछ पेपर कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमारे कैपेसिटर तो होते हैं, परंतु इसमें आपको एक तो सिंबल याद रखना है कि सिंबल पढ़ रहे हैं, तो सिंबल में कि एक सिंबल हो जाएगा इसका, ये फिक्स्ड के लिए हो जाएगा और ये वेरिएबल के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा आपका, वेरिएबल के लिए। ठीक है, यूनिट याद रखना आपको, कैपेसिटर की यूनिट पूछ ले तो माइक्रोफेरड होती है दोस्तों, किस में आता है ज़्यादातर आपका, माइक्रोफेरड में अवेलेबल होता है। जैसे आप इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो उसमें जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, ठीक है, तो उसमें जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं भाई, ठीक है, तो उनकी रेंज देखिए, आपने देखी होगी। अगर परमानेंट कैपेसिटर मोटर की बात करें, जैसे फैन की होती है हमारी, फैन होता है हमारा, तो उसमें कौन सी मोटर लगती है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर लगती है ना। फैन में कौन सी मोटर लगती है हमारी, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, जिसमें उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर बात करें तो वो माइक्रोफेरड में होता है कितना, आप 2.5 माइक्रोफेरड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से 3, 3.25 का भी यूज़ कर लेते हैं, परंतु जो अच्छा होता है हमारा, जिससे वाइंडिंग सेफ हमारी प्रॉपर अच्छी तरीके से कार्य करे, उसकी लाइफ अधिक रहे, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, 2.5 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर यूज़ करते हैं। आप चाहे ऑयल वाला यूज़ कर लीजिए, चाहे पेपर, है ना, दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा, तो एक वेरिएबल रहेगा हमारा और क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जिस पर आप एरो का निशान लग जाएगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, आपका रजिस्टर होता है भाई, रजिस्टर में आपका होता है, देखिए आप इस प्रकार से बना लीजिए, तो ये फिक्स रजिस्टर, ये क्या हो गया हमारा, फिक्स्ड हो गया। और इसी प्रकार से बात करें आपके, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों वेरिएबल, ये आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, आपका वेरिएबल हो जाएगा। तो जिस ये फिक्स हमारा, जिसमें एरो का निशान लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक फिक्स हो गया आपका, रहेगा वेरिएबल हो गया। इस प्रकार से आपने सेल देखा होगा दोस्तों, सेल, सेल क्या होता है, देखिए सेल में आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। सेल क्या होता है, एक सिंगल होता है ना, सेल किसकी फॉर्म में होता है, सिंगल होगा, यानी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल, आपके दो ही टर्मिनल होंगे इसमें। बात करते हैं आपके बैटरी की, बात करते हैं आपके बैटरी की, तो बैटरी क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ सेल होता है, यानी सेलों का समूह। जब बहुत सारे सेल को आप एक साथ जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगी, आपकी बैटरी बन जाएगी। तो बैटरी का सिंबल किस प्रकार से होता है, देखिए ये एक सेल था, अब आपने और सेल को जोड़ दिया, ये और ऐड कर दिया, जितने आप सेल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाती है, यानी ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी सेलों के समूह को हम क्या बोलते हैं, आपका बैटरी बोलते हैं। तो जितने आप सेल ऐड करते रहेंगे, आपकी क्या बन जाएगी दोस्तों, बैटरी बन जाएगी। तो एक सिंबल आपका बैटरी का हो गया, एक सिंबल आपका सेल का हो गया। ठीक है, और कुछ हमारे मीटर्स होते हैं भाई, मीटर्स तो देखिए जनरल से होते हैं मीटर, जैसे एमीटर की बात करें, आपके एमीटर की, एम्पीयर मीटर जिसको बोलते हैं आप, तो देखिए सिंपल है मीटर बनाने में, तो आपका कुछ नहीं होगा। देखिए
आप लिख दिए इसमें एम्पीयर मीटर, ए सी है तो ए सी, और यदि डी सी है तो इसमें डी सी का साइन बना दीजिए। तो इस प्रकार से हो गया हमारा। वोल्ट मीटर होगा तो आप इसमें गोला बना के वोल्ट मीटर लिख देंगे, वी लिख देंगे तो आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। वाट मीटर के लिए डब्ल्यू लिख देंगे, फ्रिक्वेंसी मीटर के लिए हर्ट्ज लिख देंगे, पावर फैक्टर मीटर के लिए दोस्तों क्या लिखते हैं कॉस फाई, क्या लिख सकते हैं आप फाई। तो फाई जो होता है वो क्या होता है पावर फैक्टर मीटर होता है ना, कॉस फाई। कॉस फाई आपने पढ़ा होगा, कॉस फाई किससे शो करते हैं पावर फैक्टर शो करते हैं। तो पावर फैक्टर मेजर करने के लिए पावर फाई ये होता है हमारा मीटर, पावर फैक्टर मीटर, इसको किससे शो करते हैं तो फाई बना होता है दोस्तों हमारा, तो ये हमारा पावर फैक्टर मीटर हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी मीटर की बात करें तो फ्रिक्वेंसी मीटर में आपको हर्ट्ज लिखा मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा आपको हर्ट्ज लिखा मिलेगा। तो हर्ट्ज क्या होती है दोस्तों, फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है। और पावर फैक्टर की यूनिट की बात करें तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना है। जितने हमारे फैक्टर होते हैं मैक्सिमम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर की भी आपकी यूनिट नहीं होती है, जैसे पावर फैक्टर है हमारा कोई भी अपनी आपकी यूनिट नहीं होगी, ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। इफिशियंसी की बात करें, दक्षता की, दक्षता क्या होती है जैसे आउटपुट अपॉन इनपुट, तो उसकी भी कोई भी यूनिट आपकी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो मीटर में आपको दोस्तों, मीटर में आपको मैक्सिमम क्या लिखा है, जैसे आपका एमीटर है तो आपका एमीटर लिख के आपको ए सी या डी सी का साइन लगा देना आपका एमीटर और या वोल्ट मीटर आपका बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए एक हमारा आता है एनर्जी मीटर, बात करते हैं आपके एनर्जी मीटर की। एनर्जी मीटर देखिए जो हमारा घर में लगा होता है भाई, जिससे हम जो विद्युत शक्ति क्या करता है मापता है हमारी, ठीक है, उसका ये सिंबल होता है दोस्तों हमारा एनर्जी मीटर। ये काफ़ी बार से चांसेस होते हैं जब का पूछा जाता है किलोवाट हावर, किलोवाट हावर। देखिए कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों किलो वोल्ट हावर, या कहीं आपने देखा ना केवीए लिखा होता है, तो केवीए जहाँ होता है लोग पढ़ते हैं उसको किलो वोल्ट या किलो वाट, तो केवीए होगा तो दोस्तों किलो वोल्ट एम्पियर होगा, और यह क्या है हमारा किलो वाट हावर, किलो वाट हावर। यानी अब आपसे पूछ लेगा दोस्तों जो आप मेजरमेंट पढ़ेंगे तो मेजरमेंट पता होता है कि एक इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है हमारा, है ना, एक क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप का हमारा होता है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है एनर्जी मीटर जो हमारी शक्ति क्या करता है मापता है वाट हावर के अकॉर्डिंग। अब देखिए एक हमारा सिंबल होता है दोस्तों एरियल का, आपने सुना होगा एरियल एंटीना जिसको बोलते हैं भाई, तो एंटीना कुछ इस प्रकार से होता है, ये सिंबल होगा आपका दोस्तों एरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका एंटीना बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको एरियल या एंटीना। अगला देख लेते हैं, एक सिंबल आपका दोस्तों पूछ लिया जाता है फॉल्ट, दोष। फॉल्ट का सिंबल क्या होता है, ये बेसिक से सिंबल है भाई, सारे कैसे हैं अभी बेसिक से हैं, बेसिक से। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको सारे एकदम से एडवांस लेवल के सारे सिंबल बताते हैं, सिंबल आपको सारे बताऊंगा, जितने आपके 100 150 जितने भी सिंबल हो सकते हैं मैक्सिमम मैं आपको कराऊंगा। देखिए क्योंकि जो सिंबल होते हैं बेसिक चीज़ होती है, और जितने स्टूडेंट्स हमारे आईटीआई के स्टूडेंट की बात करें डिप्लोमा के, तो आईटीआई वालों को तो बेसिक सी इनका पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए फॉल्ट का सिंबल देखिए किस प्रकार से होता है, ये हमारा किसका सिंबल होता है दोस्तों फॉल्ट, यानी दोष, क्या बोलते हैं इसको फॉल्ट बोलते हैं या दोष। स्टार डेल्टा तो सबको पता होगा दोस्तों, स्टार डेल्टा, स्टार और डेल्टा, तो स्टार तो किस प्रकार से बनता है हमारा, ये स्टार हो गया, और डेल्टा की बात करें तो ये डेल्टा हो गया। तो स्टार डेल्टा तो दोस्तों सिंबल होता है हमारा, सिंपल है हमारा बिल्कुल, ये तो जनरली मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं हमारा, चलिए इसको रफ कर दें, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए एक हमारा सिंबल आता है दोस्तों डायोड का, आपने देखा हो, नाम सुना हो डायोड का, डायोड इसका बोल देते हैं रेक्टिफायर। इसका कार्य क्या होता है, एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, है ना, रेक्टिफायर की बात करें तो कार्य क्या होता है इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। यानी डायोड की बात करें तो डायोड को क्या बोल सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, जो करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने दे। तो ये देखिए, तो इसमें जो आपका एरो का निशान होता है भाई, आपका डायोड जो बना हुआ है इसमें जो एरो का निशान है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके करंट के डायरेक्शन को, कि करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। यहाँ पर पी टाइप होता है, यहाँ पर क्या होता है एन टाइप होता है, ठीक है, एक पी टाइप होता है हमारा, एन टाइप होता है, आप उसको एनोड बोल सकते हैं या कैथोड बोल सकते हैं।
तो ये तो सिंबल हो गया हमारा किसका, एक पी एन जंक्शन डायोड का, ये सिंबल हो गया हमारा किसका, एक पी एन जंक्शन डायोड, सिंपल। अगर आपसे जेनर डायोड पूछ ले, मैक्सिम कई बार पूछा जाता है पेपर में, और जेनर डायोड का आपसे उपयोग पूछा जाता है कि जेनर डायोड जो होता है वो कैसे कनेक्ट होता है या किसके रूप में यूज होता है, तो कनेक्ट जो होता है रिवर्स बायस में करते हैं। कनेक्ट कैसे करते हैं रिवर्स बायस में जेनर डायोड को, और यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। ये क्या करता है, लोड के अक्रॉस कॉन्स्टेंट वोल्टेज को बनाए रखता है। तो इस प्रकार से हमारा जेनर डायोड बनता है भाई, ये क्या बना, जेनर डायोड। सो हम क्या बोलते हैं, जेनर डायोड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डायोड है दोस्तों, काफी बार पूछा जाता है आपसे, सिंपल से पूछ लेगा कि जेनर डायोड का सिंबल को पहचानिए, आपको ये सिंबल दे देगा, ये दे देगा, और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का सिंबल आपको ये मिल सकता है कि ये दे दिया आपको, ठीक है, ये हमारा होता है, इस प्रकार से आपसे ऑप्शन दे देगा, ठीक है, या ये आपको ऑप्शन दे में दे देगा, और एक आपको ऑप्शन में, ये तो मिल ही जाएगा भाई। तो जेनरेटर कौन सा होता है, ये होता है हमारा, जेड की आकृति बनती है देखिए यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनरेटर बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, इसी प्रकार से आपने देखा होगा दोस्तों आपका एलईडी, एलईडी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, ऐसा डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, लाइट को एमिट करता हो, लाइट एमिटिंग, एमिट करने उत्सर्जित करने वाला डायोड। तो उसका सिंबल देख लेते हैं, आपकी घर में वाली लगी होती है एलईडी वगैरह, ट्यूबलाइट्स वगैरह जो होती हैं, इनका सिंबल होता है हमारा किस प्रकार से, बल्ब, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है एलईडी के ऊपर, उसमें एलईडी के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस किया है, आप वहाँ से इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके, आपने फोटो वोल्टेक सेल का नाम सुना होगा, क्या फोटो डायोड की बात करें, फोटो डायोड। तो फोटो डायोड किस प्रकार से होता है भाई, उसमें एलईडी में एलोकेशन बाहर का होते हैं क्योंकि एमिट करता है रोशनी को, फोटो डायोड जो होता है उसमें एलोकेशन उस क्या रहेगा आपका, अंदर की ओर रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे आपका, फोटो डायोड, जिसे हम क्या बोलेंगे आपका, फोटो डायोड बोलेंगे, ठीक है। बात करते हैं पुश बटन की, अब बात करते हैं आपके पुश बटन की, तो पुश बटन देख लेते हैं, पुश बटन आपसे पूछ लेगा भाई, पुश बटन देखिए, पुश बटन में आपके दो प्रकार के आते हैं, एक एनओ आता है नॉर्मली ओपन, और एक नॉर्मली क्लोज। तो नॉर्मली ओपन किस प्रकार से रहेगा, और एक नॉर्मली क्लोज किस प्रकार से रहेगा, तो पहले देख लेते हैं आपका नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन का कैसे बनेगा, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मली ओपन यानी ओपन रहेगा हमारा इस प्रकार से, ये हमारा हो गया नॉर्मली ओपन। नॉर्मली क्लोज में आपका इससे क्या रहेगा, लगा हुआ रहेगा, ये हमारा नॉर्मली क्लोज और ये नॉर्मली ओपन। तो दो प्रकार का आता है पुश बटन, हमारा नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। इसी प्रकार से कल आपका सॉकेट के बारे में डिस्कस किया था, आपका ये सिंबल मैंने बताया था आपको सॉकेट, तो सॉकेट में आपका और सिंबल भी बनता है दोस्तों, देखिए सॉकेट आउटलेट की बात करें, सॉकेट आउटलेट जो होता है हमारा, तो एक सिंबल हमारा इस प्रकार से आएगा, सॉकेट आउटलेट 5 एम्पीयर की बात करें टू पिन वाले की, तो टू पिन होगी, एक ये पिन और एक ये पिन, तो ये भी हमारा किसका सिंबल हो जाएगा दोस्तों, सॉकेट का, ठीक है। सॉकेट आउटलेट है हमारा कौन सा है, टू पिन 5 एम्पीयर, टू पिन 5 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट, ये भी क्या होता है दोस्तों हमारा, सॉकेट के सिंबल में आएगा, ठीक है ना, 5 एम्पीयर में। अगर आपसे पूछ रहे थे कई बार, ये सॉकेट आउटलेट टू पिन है 5 एम्पीयर में है, ये विदाउट स्विचेस होता है, विदाउट स्विचेस, स्विचेस के साथ पूछ ले तो ये इस प्रकार से बनेगा ये, और आप यहाँ पे एक डॉट सा बना दीजिए तो ये स्विच सहित हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये सॉकेट है और ये स्विच सहित हो जाएगा 5 एम्पीयर में, टू पिन ये सॉकेट आउटलेट हो जाएगा वही टू पिन 5 एम्पीयर में ही विद स्विचेस, है ना। तो एक ही सिंबल होता है हमारा, इसी में ही अगर आपसे पूछ ले 15 एम्पीयर में, है ना,
इसमें देखिए 5 एम्पियर से पूछ सकता है, 15 एम्पियर में पूछ सकता है। तो 5 एम्पियर में कैसे होता है, 5 एम्पियर में देखिए ये सिंगल है हमारा, 15 एम्पियर की बात करें तो 15 एम्पियर में अगर आपको बनाना है यही, तो 15 एम्पियर में कैसे बन जाएगा, बस आपका ये आप ओलर खींच देनी है इसमें। तो फिर किसके लिए हो जाएगा हमारा, पावर के लिए हो जाएगा, यानी पावर सॉकेट की बात करते हैं। पावर सॉकेट जो होता है, पावर सॉकेट कितना, 15 एम्पियर के लिए हो जाएगा, सिंगल है तो किसके लिए, 5 एम्पियर के लिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल से सिंबल्स हैं हमारे जो ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, है ना, जो ज़्यादातर से क्या कर सकते आपसे पूछे जाते हैं हमारे, वो हमारे सिंबल्स हैं, ठीक है। एक हमारा आता है ओवर हेड लाइन की बात करें, ओवर हेड लाइन का पूछ लेते हैं भाई, ठीक है। एक डिस्कस कर लेते हैं आपका ओवर हेड लाइन, ओवर हेड लाइन, ओवर हेड लाइन किस प्रकार से होगा, ये देखिए ये जो सिंबल होता है भाई हमारा, ये होता है हमारा किसका, ओवर हेड लाइन का, ठीक है। ये सिंबल किस चीज का होता है हमारा, ओवर हेड लाइन का होता है, ठीक है ना। ये सिंबल किसका हो गया हमारा, ओवर हेड लाइन का हो जाएगा। अब पूछ रहे थे अगर मैं आपसे चेंज ओवर की बात करें, चेंज ओवर आपने देखा होगा चेंज करने के लिए, मेन लाइन जो होती है हमारी जनरेटर लाइन को चेंज कर सकते हैं इससे चेंज ओवर के द्वारा, चेंज ओवर स्विच, चेंज ओवर स्विच। तो चेंज ओवर स्विच किस प्रकार से होता है दोस्त हमारा, ये देखिए ये जो सिंबल होता है भाई हमारा, ये सिंबल होता है हमारा चेंज ओवर स्विच का, क्या बोलते हैं उसको, चेंज ओवर स्विच, ठीक है ना। ये सिंबल हो जाएगा हमारा किसका, चेंज ओवर स्विच का, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। मेन स्विच की बात करें, ठीक है ना, इसी प्रकार से क्या होता है, मेन स्विच आता है, क्या आएगा, मेन स्विच। तो धीरे धीरे हम लेके चलेंगे, देखिए हमारे सिंबल्स हैं हमारे। अभी इसके बाद जो वायरिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो वायरिंग इंस्टॉलेशन में यूज़ करेंगे तो उसमें किस प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल करा जाएगा, तो वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। बात करते हैं मेन स्विच की, मेन स्विच का किस प्रकार से बनता है, देखिए मेन स्विच में भी आपके देखिए दो आते हैं, एक लाइटिंग लोड के लिए आता है भाई और एक आता है पावर के लिए। तो लाइटिंग के लिए आप एल लिख दीजिए, तो ये मेन स्विच हो गया हमारा किसके, हमारा मेन स्विच लाइटिंग के लिए। इसको यहाँ से बना लीजिए थोड़ा इस प्रकार से, तो ये मेन स्विच है किसके लिए, लाइटिंग लोड के लिए, लाइट्स ट्यूबलाइट्स वगैरह के लिए होता है, फैन वगैरह के लिए, लाइटिंग लोड्स के लिए हमारा मेन स्विच हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मेन स्विच का दूसरा बनता है पावर के लिए, पावर सर्किट जो होते हैं देखिए, जैसे गीजर हो गया, हीटर हो गया, हैवी सर्किट्स के लिए बनता है हमारा, या तो ये बन जाता है हमारा पावर के लिए, मोटर्स वगैरह के लिए। तो ये ठीक है, दो सिंबल आते हैं हमें मेन स्विच के, ये पावर के लिए, लाइटिंग लोड के लिए आता है, किसके लिए आता है भाई, लाइट लोड के लिए, और ये हमारा पावर के लिए आता है, ये क्या आता है हमारा, पावर के लिए आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे दोस्तों क्या है, हमारे सिंबल्स हैं, ठीक है ना। तो बाकी के सिंबल्स जो है दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी जो इंस्टॉलेशन में जो हमारे सिंबल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए फिलहाल मैं यहीं पर इनको ख़त्म करना चाहूँगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में इतना कहना चाहूँगा, धन्यवाद।